बैठे हुए जय हिंद फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मौर्या स्नैक्स। और आज के रेस्क्यू कॉल है, ये गोंडा लगता है बस्ती डिस्ट्रिक्ट के नेवादा गांव से मौका पे हम पहुंच चुके हैं। आज नाग पंचमी का पावन पर्व है, इस अवसर पे नाग दर्शन हुआ है इस मोहल्ले में और काफ़ी देर से लोग इंतजार कर रहे हैं। हालांकि दूध लावा चढ़ाने का शुभ अवसर है और यहाँ पर दूध लावा चढ़ाने के लिए लोग रेडी हैं और हमें सूचना दी गई है, हम पहुँच चुके हैं। उन्हें सुरक्षित रेस्क्यू करते हैं, दूध लावा का चढ़ावा किया जाएगा, तत्पश्चात इन्हें लेके चलेंगे फॉरेस्ट की तरफ, वहाँ पे रिलीज कर दिया जाएगा पुनर्वास के लिए, क्योंकि इनका वास्तविक फॉरेस्ट ही होता है, इंसानी बस्ती के जीव नहीं। इंसानी बस्ती में होने से खतरा होता है, आप देख सकते हैं कि परिवार काफ़ी देर से इंतजार कर रहा है और मौका पे हम पहुँच चुके हैं। अब चलते हैं इन्हें रेस्क्यू करते हैं। देखा जाए ये हुए कि ना हुए, देख सकते हैं यहाँ पर नागराज बैठे हुए और ये जाना चाहते हैं। हालांकि कोई यहाँ पे बिल नहीं है और यहाँ पर ग्रामीण लोगों को दर्शन देने के लिए आए हुए थे, क्योंकि नाग पंचमी का शुभ अवसर है। और आप देख सकते हैं जस्ट नाग बाबा इधर है और माता जी दूध चढ़ावा के लिए, क्योंकि आज नाग पंचमी का शुभ अवसर है और माता जी दूध लावा चढ़ाने के लिए आए हुए हैं, तो हम नाग बाबा को बाहर की तरफ ले आते हैं। ये क्यों बाबू मैंने और आप देख सकते हैं माता जी दूध लावा लिए हैं और नाग बाबा उधर ही ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। तो रखिए माता जी, रखिए बिंदास रखिए। और आप देख सकते हैं माता जी यहाँ पे दूध लावा लेके आई हैं, क्योंकि आज नाग पंचमी का पावन पर्व है और आप सभी शिव भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम और नागराज को भी प्रणाम, क्योंकि आज इनका पूजन है। इसी वक्त आज सुबह के 8:30 होंगे और नाग बाबा का पूजन कार्य चालू है, इन्हें दूध लावा का चढ़ावा किया जाता है। और आप देख सकते हैं माता जी श्रद्धा के साथ दूध लावा लेके आए और जस्ट दूध लावा नाग बाबा के सामने रखा गया है और नाग बाबा दूध की तरफ जा रहे हैं। अब देखा यह जाता है कि नाग बाबा दूध लावा स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। हालांकि हमारी बुक स्नेक ऑफ इंडिया के अनुसार इनके पास दूध को पचाने का एंजाइम नहीं पाया जाता, हालांकि हमारा शास्त्रबद्ध विधि विधान है कि नाग पंचमी के दिन दूध पिलाया जाता है। हालांकि स्नेक ऑफ इंडिया बुक के अनुसार अगर ये दूध पी लेंगे तो इनकी 1 हफ्ते में मौत हो जाएगी। हालांकि प्राचीन काल से हम लोग इन्हें दूध लावा का चढ़ावा करते आए हैं, तो आज प्रैक्टिकली इनके सामने दूध लावा रखा गया और नाग बाबा जस्ट उसके पास पहुंचे हुए हैं। देखा जाता है कि नागराज हम लोगों का दूध लावा स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। हालांकि हम लोगों की काफ़ी श्रद्धा है कि हमारे दूध लावा को स्वीकार करें। तो लीजिए प्रभु, गुस्साइए नहीं, मंजूर कर लीजिए, गुस्साइए नहीं, हम लोग की जो श्रद्धा भक्ति उसे आप स्वीकार करिए। कोई गलती हो चूक हो तो क्षमा करिएगा, मान जाइए। आप देख रहे हैं नागराज काफी गुस्साए हुए हैं, क्योंकि इनका कहना है कि आप हमें दूध दे रहे हैं तो क्यों पकड़े हुए हैं, तो हम इन्हें छोड़ देते हैं और दूध को स्वीकार करें, हमारा इनसे निवेदन है। लीजिए प्रभु आप आजाद हैं, हम आपको बंधन मुक्त किए, हमारा दूध लाओ स्वीकार करिए, कर लीजिए, क्योंकि माता जी काफी श्रद्धा से भोले बाबा मंजूर कर लीजिए। और
नागराज गुस्साए हुए हैं और हम लोग इनके सामने जस्ट सामने दूध लावा रखे हैं। माता जी काफी श्रद्धा के साथ आप देख सकते हैं माता जी नागराज को प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि वही वक्त है, नाग पंचमी का दिन है और सुबह के 8 बजे हुए और इस समय पूरे गांव में पूरे मोहल्ले में दूध लावा का चढ़ावा किया जा रहा है। ये काफी शुभ अवसर है, कैसे अवसर पे नागराज का दर्शन हुआ हम लोगों के दरवाजे पे और ये काफी शुभ अवसर है। तो आप देख सकते हैं हालांकि शायद नागराज क्या कारण है हम लोगों का दूध लावा स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इनके अटैक को और इनके अंदर न्यूरोटॉक्सिन नाम का जहर पाया जाता है जो कि किसी को बाइट कर लेते हैं। तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके हमें हॉस्पिटल की तरफ जाना है, क्योंकि वहाँ पे इनके जहर से बचाने के लिए एंटी वेनम अवेलेबल होता है जिससे हम लोगों की प्राण रक्षा हो सकती है। तो दुर्भाग्य से किसी को बाइट कर ले तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके हॉस्पिटल की तरफ जाना है, क्योंकि वहाँ पर हमारे जाने से हम लोग हॉस्पिटल पहुँचेंगे तो वहाँ इलाज होगा, हम लोगों की प्राण रक्षा हो सकती है। और झाड़ फूक के चक्कर में पड़ेंगे तो आसानी से मौत हो जाएगी, क्योंकि इनके अंदर न्यूरोटॉक्सिन नाम का जहर होता है। हालांकि इनका कोई अन्य मकसद नहीं था, ये नागराज हम लोगों को इस शुभ अवसर पर दर्शन देने के लिए आए हुए थे। हालांकि इन्हें हम टच कर दिए इसलिए काफ़ी गुस्साए हुए हैं। आप इनके क्रोध को देख सकते हैं, बेहद आक्रामक इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा भारतीय नाग और इस नाग पंचमी के शुभ अवसर पर दर्शन दिए हैं। चोट लग गई आपको, क्यों मार रहे हो? और आप देख रहे हैं कि नागराज सभी ग्रामीण वासियों को आशीर्वाद दे रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं कि इस नाग पंचमी के पावन पर्व पे हमें कितने लोग दर्शन करने के लिए आए हैं और ये भी सबका दर्शन कर रहे हैं आपका दर्शन। और ये किसी बाइट करने की काटने के चक्कर में नहीं आए हुए हैं। हालांकि इनके क्रोध की कोई सीमा नहीं रही, काफी गुस्साए हुए हैं। हम सोच रहे थे हो सकता है कि पकड़े हुए इसलिए नहीं स्वीकार कर रहे हैं, हालांकि हम इन्हें आजाद कर दिए हैं। संभाल के जाइएगा, कोई बात नहीं माता जी, आपकी जो श्रद्धा थी आपके दरवाजे पे दर्शन दिए तो दावा नहीं स्वीकार कर रहे थे, कोई परेशानी की बात नहीं है। हालांकि ये हमारे स्नेक ऑफ इंडिया बुक के अनुसार ये दूध दावा स्वीकार करते भी नहीं, अगर ये ले लेते हैं तो इनकी मौत हो जाती है। इनके अंदर दूध को पचाने का एंजाइम नहीं पाया जाता है, अगर ये दूध पी लेते हैं किसी मजबूरी में या काफ़ी समय से भूखे हैं तो ये बीमार हो सकते हैं, इनकी मौत हो सकती है। तो इसलिए ये दूध दावा को स्वीकार नहीं करते। हालाँकि हमारी प्राचीन धर्म संस्था है कि जो कि नागपंचमी के दिन हम इन्हें दूध दावा का चढ़ावा करते हैं, उन्हें हम रखेंगे थैले के अंदर। तो इन्हें हम रखते हैं थैले के अंदर और लेके चलते हैं फारेस्ट की तरफ। हालांकि इन्हें दूध लावा का चढ़ावा किया गया लेकिन नागराज स्वीकार नहीं किए हैं। हालांकि कोई बात नहीं, और हम इन्हें रखते हैं थैले में और लेके चलते हैं फॉरेस्ट में। हालांकि हम लोगों का काफी शुभ अवसर था, नाग पंचमी के शुभ अवसर पर इनका दर्शन हुआ काफी शुभ होता है, क्योंकि किसी ही बस ये अवसर आता है कि नागपंचमी के दिन ये दर्शन देते हैं। तो आप देख सकते हैं इसने कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे अपने आप को एडजस्ट करके आसानी से जीवन व्यतीत करेगा निर्भय होकर। और इसने अपने प्राकृतिक परिवेश नेचर में जा चुका है। हमारा जंतु बचाने का कार्य अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय दे करके इस एपिसोड को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।